किसी के माइंड में ना ये चीज बनी रहती है, क्या नीरज चोपड़ा की नेटवर्क पर साल की कितनी होगी, इनकी कुल संपत्ति कितनी होगी, इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, कहां तक पहुंची होगी। दोस्तों अपन इस वीडियो में ना एक एक चीज है ना विश्लेषण से जानेंगे। दोस्तों इनका जन्म ना हरियाणा में हुआ था और ये प्रेजेंट टाइम पे 23 साल के हैं। 2014 से इन्होंने इस जर्नी की शुरुआत की थी दोस्तों, और 2014 से लेकर और 2021 तक का ये जो पहला गोल्ड मेडल देश को दिलाया ना, यहाँ तक की जर्नी दोस्तों अपन जानेंगे। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये है ना जो स्पोर्ट्स ड्रिंक चलती है ना गेटोरेड नाम से, उनके ना ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा ही है दोस्तों। ये बात मैं आपको अलग से बता रहा हूँ दोस्तों। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दोस्तों सन 2012 से स्टार्ट करी थी। इन्होंने लखनऊ में पहला गोल्ड मेडल है ना पेपर गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद सन 2013 में नेशनल न्यूज चैंपियनशिप में है ना दोस्तों दूसरा स्थान था इनका, वहां पर ये पहले स्थान पर नहीं आ पाए थे। उसके बाद सन 2015 में दोस्तों इन्होंने 81.04 मीटर का थ्रो फेंका था भाले का इंटरशिप न्यूज चैंपियनशिप में, और वहां पे इन्होंने पहला गोल्ड मेडल लाए थे दोस्तों। उसके बाद इन्होंने ना 2016 में 86.48 मीटर का दूसरा भाला फेंका था, जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इनका पहला मेडल था दोस्तों। उसके बाद सन 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने पहला गोल्ड दिलाया था देश को। और इसके पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो सन 2018 वाला था ना, इसके पहले ये रिकॉर्ड मिल्खा सिंह के नाम दर्ज था, लेकिन अभी मिल्खा सिंह इस दुनिया में है नहीं, वो ऊपर जा चुके हैं। तो ये दर्ज उनके नाम था, तो उन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम को याद करते हुए उन्होंने दो लाइनें कही थी दोस्तों कि जो सपना मिल्खा सिंह का था, अगर वो आज जिंदा होते ना तो आज मैं गोल्ड मेडल सबसे पहले उनके साथ शेयर करता, उनका ये सपना था नीरज चोपड़ा जी का। उसके बाद दोस्तों 2021 में पहला गोल्ड मेडल जो अभी टोक्यो ओलंपिक में जो लिया है दोस्तों, इसके बाद है ना पीटी उषा ने खुद उनके लिए है ना दो लाइनें कही है कि जो काम और नहीं कर पाए ना, वो इतने सालों बाद है ना एक बंदे ने करके दिखाया दोस्तों। अपन कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म करते हैं, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। अपन क्या करके दिखाते हैं ये अपने लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। जर्नी कहां से शुरू हुई है ये कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आज जो बंदे ने कर दिखाया है ना देश के लिए, आज तब जाके अपन उनकी है ना बायोग्राफी को पूरी देख पा रहे हैं। अगर वो करते ही नहीं तो अपन कौन जानने की इच्छा रखता, कोई जानने की इच्छा नहीं रखता दोस्तों। इसलिए मैं आपसे भी एक ही बात बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों कि अपनी जिंदगी में ना सफलता के लिए आप ना कदम बढ़ाते रहिए, एक दिन लोग आपको भी जानेंगे। और दोस्तों अब बात आती है इनकी है ना नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों नेटवर्थ कोई ज्यादा नहीं है। अगर नेटवर्थ को देखें ना तो इनकी पर साल की है ना 5 लाख मिलियन की नेटवर्थ होती है, और अगर इनकी कुल संपत्ति देखें ना दोस्तों तो कुल संपत्ति इनकी है ना $38 लाख के करीब कुछ ऐसे, $37 लाख के करीब कुछ ऐसे हैं दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में।